नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है कानून बनाने की प्रक्रिया। भारतीय संसद के द्वारा कानून किस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद का सबसे प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। उसको संघ सूची, संवर्ती सूची तथा संकट काल में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में कानून बनाने की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहला, सामान्य प्रक्रिया जो वित्त बिल के अतिरिक्त सभी विधेयकों पर कानून लागू करती है। दूसरा, जो बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो दूसरी प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया जो वित्तीय संबंधी विधेयकों पर लागू होती है। कानून बनाने की इन प्रक्रियाओं को समझने से पूर्व हमें विधेयक कितने प्रकार के होते हैं यह जान लेना आवश्यक है। साधारणतः विधेयकों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के अंतर्गत सरकारी विधेयक, व्यक्तिगत विधेयक। दूसरा जो विधेयकों के प्रकार है विशेष विधेयक, इसके अंतर्गत धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अगला जो पॉइंट है साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये विधेयक मंत्रियों द्वारा भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा सांसदों द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिन विधेयकों को मंत्रिपरिषद की ओर से प्रस्तुत किया जाता है उनके लिए पहले नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सीधे सरकारी गजट से या गजट में प्रकाशन हेतु पेश कर दिए जाते हैं। किंतु यदि कोई अन्य सदस्य सांसद विधेयक प्रस्तुत करना चाहे तो उसे एक माह का नोटिस देना पड़ता है। इस नोटिस के साथ विधेयक की एक प्रति और विधेयक के उद्देश्यों का भी विवरण देना होता है। किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए निम्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जो अवस्थाएं हैं, पहली जो अवस्था है प्रथम वाचन। संसद की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए एक तिथि निश्चित कर देता है। निश्चित तिथि को प्रस्तावक अध्यक्ष की अनुमति लेकर विधेयक को सदन के समक्ष पढ़ता है। यह प्रथम वाचन कहलाता है। इस वाचन में प्रस्तावक केवल विधेयक का शीर्षक ही सदन को पढ़कर सुनाता है। यदि इस वाचन से पूर्व विधेयक की या विधेयक का सरकारी गजट में प्रकाशन न हो चुका हो तो प्रथम वाचन के बाद उसे गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा जो बिंदु है द्वितीय वाचन। प्रथम वाचन के पश्चात निश्चित तिथि को विधेयक का द्वितीय वाचन होता है। इस वाचन में प्रस्तावक यह निश्चित करता है कि विधेयक को प्रवर समिति के विचारार्थ सौंप दिया जाए या जनमत जानने के लिए उसे जनता के सम्मुख रखा जाए या तत्काल ही सदन में उस पर विचार किया जाए। यदि विधेयक समिति के पास भेजा जाता है तो उसकी रिपोर्ट सदन के सामने चर्चा के लिए रखी जाती है, अन्यथा सदन उसकी प्रत्येक धारा के बारे में वाद विवाद करता है। केवल आवश्यक विधेयकों पर ही सदन में तुरंत विचार किया जाता है, अन्य पर नहीं। अधिकांश विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिए जाते हैं। साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है समिति अवस्था। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देता है तो प्रवर समिति विधेयक पर विचार करती है।
इस समिति के सदस्यों का चुनाव सदन द्वारा ही किया जाता है। इस समिति में विधेयक का प्रस्तावक तथा अन्य सदस्य होते हैं। यदि सदन का उपाध्यक्ष भी समिति का सदस्य होता है तो वही उसके अध्यक्ष का कार्य करता है, किंतु यदि वह समिति का सदस्य नहीं है तो सदन का अध्यक्ष बहुमत दल के किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। विधेयक का संबंध जिस मंत्री के विभाग से होता है उसे अवश्य प्रवर समिति में सदस्य के रूप में लिया जाता है। प्रवर समिति विधेयक की प्रत्येक धारा पर पूर्ण रूप से विचार करती है। विधेयक के गुण दोषों आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। विचार विमर्श के पश्चात समिति विधेयक के संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। यदि विधेयक के संबंध में समिति के सदस्यों में एक मत ना हो तो बहुमत की रिपोर्ट के साथ अल्पमत की रिपोर्ट भी तैयार की जाती है और वह रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट पर समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो अगला बिंदु है रिपोर्ट अवस्था। रिपोर्ट अवस्था, प्रवर समिति की रिपोर्ट को गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है और उसकी प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को पृथक पृथक रूप से विस्तृत या वितरित कर दी जाती हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने पर विधेयक का प्रस्तावक इनमें से एक प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अब सदन विधेयक पर विचार करें। दूसरा जो पॉइंट है, विधेयक को पुनः प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेज दिया जाए। तीसरा जो पॉइंट है, विधेयक को जनमत की जानने के लिए प्रस्तावित किया जाए। यदि प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर सदन विचार विमर्श करने की अनुमति दे देता है तो विधेयक की एक एक धारा और खंड पर सदन में विचार विनिमय होता है। प्रत्येक संशोधन पर बहस होती है और उस पर मत के दिए जाते हैं। यदि संशोधन बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तो वे विधेयक का अंग बन जाते हैं। इस अवस्था में विधेयक की एक एक धारा को स्वीकार करना अस्वीकार स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो अगला स्टेप है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में एक बार और सदन को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह विधेयक के बारे में चर्चा कर सके। यह वाचन औपचारिक होता है। इस अवस्था में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है, केवल विधेयक की भाषा एवं शब्दावली में सुधार करने के लिए कुछ संशोधन रखे जा सकते हैं। इस वाचन में विधेयक के पक्ष विपक्ष में भी भाषण दिए जा सकते हैं। अंत में विधेयक पर मतदान होता है। यदि विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक उस सदन से पारित समझा जाता है। उस विधेयक पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने के पश्चात वह विधेयक विचार के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो अगला बिंदु है विधेयक दूसरे सदन में। इन अवस्थाओं से गुजरने के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी उक्त प्रक्रियाओं को दोहराया जाता है। यदि दूसरे सदन द्वारा भी विधेयक उसी रूप में पारित होता है तो जिस रूप में वह प्रथम सदन में पारित होकर आया था उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को उसी रूप में स्वीकार नहीं करता अथवा विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति निश्चित तिथि को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस अधिवेशन में बहुमत से निर्णय लिया जाता है। साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगला और अंतिम पॉइंट है राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है और उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे, किंतु पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति का विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। अतः साधारण विधेयक को पारित करने के लिए इन प्रमुख अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तब कोई विधेयक कानून बनता है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया, जिसका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।